हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन के बारे में, कह सकते हो कि मल्टीवर्स टाइमलाइन के बारे में। क्योंकि जब से हमने डेडपूल 3 देखी है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है, स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है, तो इतने सारे जो कैरेक्टर मल्टीवर्स में घूम रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कौन सा कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। पर आप चिंता मत करिए, उसके लिए मैं बैठा हूं और मैं आपको बताऊंगा हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक टाइमलाइन के बारे में, हर एक अर्थ के बारे में कि कौन कहां से किधर से आ रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हाल ही में जो डेडपुल रिलीज हुई है उसमें जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, उस चीज को ध्यान रखते हुए हर एक छोटे पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तुम तो हमेशा ही गलत थे लोगन, फिर सही हो गए। तू तैयार है? हाँ, फसड़खोर मैं तैयार हूँ। तो गाइज, आपका स्वागत है मल्टीवर्स टाइमलाइन में। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मल्टीवर्स टाइमलाइन में काफ़ी सारे कैरेक्टर उधर से उधर भाग रहे हैं, काफ़ी सारी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी हैं लाइव एक्शन में, एनिमेशन में, और इन सबको ऑपरेट करने के लिए बैठा हुआ है हमारा TVA। और TVA क्या काम करता है आपको अच्छी तरीके से पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी TVA को करंटली में हेड कर रहा है अपना बी हंटर, जैसा कि आप सबको पता है डेडपूल 3 में आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। तो टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से है, मैं शुरुआत से शुरू करूंगा बिल्कुल। तो टाइमलाइन जो है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे 3 लाइन खींची पड़ी है यहाँ पर। सबसे पहली जो लाइन है ग्रीन कलर की, जो कि है लोकी की टाइमलाइन, जिसमें कि लोकी पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है पूरे मल्टीवर्स को। और दूसरी जो टाइमलाइन है वो है पर्पल वाली यानी बैगनी कलर की, ये नॉर्मल टाइमलाइन है जिसमें कि ये टाइमलाइन सीधी चलती आ रही है। फिर उसके बाद रेड कलर की जो टाइमलाइन है वो है सीक्रेट टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 की, जिसमें एंटायर पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है। और अब बात करते हैं मल्टीवर्स की मूवीज के बारे में। तो सबसे पहले एक मल्टीवर्स था जो कि कैप्टन अमेरिका का था, जिसका मूवी रिलीज हुआ था 1944 में। इसका अर्थ अभी तक कंफर्म नहीं है, और मुझे लगता है कि ध्रुव नाम की जो शक्ति हमें डेडपूल में इंट्रोडक्शन कराई गई है वो इस यूनिवर्स की खत्म हो चुकी है, तो इसलिए इसकी लाइन ये टूट रही है। और मुझे लगता है कि शायद अब तक ये यूनिवर्स खत्म भी हो चुका होगा MCU के हिसाब से, ये मेरी थ्योरी है पर्सनली। दूसरी यूनिवर्स में जो मूवी आई वो थी द पनिशर, ये रिलीज हुई थी 1989 में। इसका अर्थ मुझे कंफर्म नहीं है, और इसकी भी ध्रुव शक्ति खत्म हो चुकी है पनिशर की, यानी शायद पनिशर मर चुका है, तो उसका भी यूनिवर्स खत्म हो चुका है मल्टीवर्स में। उसके बाद थर्ड मूवी है हावर्ड द डक, ये अपना प्लेनेट छोड़कर अर्थ पर आया था। अब कौन से अर्थ पर आया था ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, और इसकी मूवी आई थी 1986 में। तो मुझे लगता है कि हावर्ड डक भी अब तक मर चुका है और उसकी भी ध्रुव शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए उसकी भी टाइमलाइन टूट रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आ जाते हैं ब्लेड पर। तो ब्लेड की एक अलग ही यूनिवर्स है, और ब्लेड की जो सबसे पहले मूवी आई थी 1998 में, और करंट में वो 2024 में हमें डेडपूल में देखने को मिला। इसका अर्थ है 26320, और ब्लेड को टीवी वाले पकड़ के ले गए थे और डाल दिया था वॉइड में। अब वॉइड कौन सी जगह है आप सबको अच्छी तरीके से पता ही है। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो फालतू कैरेक्टर है टीवी के हिसाब से, जो कि मल्टीवर्स में उधम मचाते रहते हैं, उनको इस जगह डाल दिया जाता है और ओलाइथ उनको खा जाता है। अब ब्लेड ने अभी तो कहीं भी टाइम ट्रेवल नहीं करा है, हमें ऐसा कुछ ऐसा डेडपूल में दिखाया नहीं गया, फिर भी उसको टीवी वाले पकड़ कर ले गए। और आपने नोटिस करा होगा कि मैंने ब्लेड की टाइमलाइन को इससे जोड़ा नहीं, इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि ब्लेड ने कहीं टाइम ट्रेवल करता नज़र नहीं आया हमें, सिर्फ उसको टीवी वाले क्यों पकड़ के ले गए इसका हमें आंसर अभी तक नहीं मिला। अब बात करते हैं मल्टीवर्स की अगली मूवी के बारे में, जो कि एक कैप्टन अमेरिका 1990। इसका अर्थ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ मुझे, इसलिए मैंने डाला भी नहीं, और इसकी भी ध्रुव शक्ति शायद मर चुकी है, तो इसलिए मैंने इसको टूटता हुआ दिखाया है। चलिए अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि एक्समैन यूनिवर्स में है। अब इसकी लाइन देख रहे होंगे आप, एकदम डाउन होती हुई छुल रही है, यानी कि ये सीक्रेट टाइमलाइन से क्रॉस कर चुकी है, जो कि है एक्समैन। तो यहाँ पर सारी एक्समैन की मूवीज यानी कि डेडपूल वगैरह एवरीथिंग, ये टाइम ट्रेवल कर चुके हैं अच्छी तरीके से, और ये सीक्रेट टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं। और इनकी मूवी आई थी 2000 में 2024 तक, और इनका जो अर्थ है वो है 1005। अब इसमें टाइम ट्रेवल बहुत गंदे तरीके से हुआ है, और इसकी अगर आपको एक वीडियो देखनी है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इसमें एक ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे होंगे, तो जो एक्चुअल में एक वुल्वरीन है, जो कि 2024 में हमें नया इंट्रोडक्शन करा गया है, इसका अर्थ हमें कंफर्म नहीं है। तो डेडपूल ने इस वुल्वरीन को इसके यूनिवर्स से निकालकर अपने यूनिवर्स में ले आया है, और टीवी वालों ने इनको निकालकर वॉइड में डाल दिया था, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे।
तो फाइनली एंडिंग की मूवी में हमें पता चलता है कि डेडपुल अपने यूनिवर्स को बचा चुका है, क्योंकि उसकी ध्रुव शक्ति खत्म हो गई थी, पर उन्हें दूसरे वुल्वरिन को निकाल कर अपने यूनिवर्स में डाल लिया, तो उसका यूनिवर्स भी बच गया और शायद वुल्वरिन का भी यूनिवर्स बच चुका है, और यहाँ पर वो दोनों खुश हैं। पर आने वाले फ्यूचर में ये डेफिनेटली सीक्रेट टाइमलाइन में ज़रूर जाएंगे, यानी कि अर्थ 616 में, जो कि 100% होना ही है। अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि है स्पाइडरमैन। इसकी मूवी आई थी 2002 में, जो कि करंट चली थी 2021 तक। इसका जो अर्थ है वो है 96283। यहाँ पर टॉबी मैग्वायर को पोर्टल के जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज के अर्थ 616 में ले आए थे और स्पाइडरमैन नो वे होम का इवेंट हुआ था, जैसा कि आप सबको पता है। फिर भी टॉबी मैग्वायर वाला पीटर पार्कर अपने यूनिवर्स में वापस चला गया था, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक रेड लाइन ऊपर की तरफ उठती जा रही है, तो ये सीक्रेट टाइमलाइन एमसीयू अर्थ 616, जो कि टीबीए इसको बचाने में लगा हुआ है। और डेडपुल में हमें एक हिंट मिली थी कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, जिसमें कि डेडपुल को सेलेक्ट करा गया था सीक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर के लिए। अगली मूवी के बारे में बात करते हैं, जो कि है डेडेविल। इसका जो करंट पीरियड है वो 2003 से लेकर 2024, क्योंकि इसमें दो मूवी आई थी, डेडेविल और इलेक्ट्रा को वॉइड में ले गए थे टीवी वाले। अब क्यों ले गए थे इसका रीज़न भी नहीं बताया। फिर फाइनली डेडपूल ने इनकी टाइमलाइन के लिए रिक्वेस्ट करी और शायद इनका यूनिवर्स बढ़ चुका है, पर इन्होंने अभी तक सीक्रेट टाइमलाइन में कोलैब नहीं कराए। चलिए अब बात करते हैं अगली यूनिवर्स की मूवी के बारे में, जो कि हल्क, जो कि रिलीज हुई थी 2003 में और इनका अर्थ है 4000083। और मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स के हल्क की ध्रुव शक्ति मर चुकी है, इसलिए इसका भी यूनिवर्स टूट रहा है धीरे धीरे, पर मुझे उम्मीद है कि शायद इस हल्क को फ्यूचर में हमें दिखाया जाए। चलिए बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि है घोस्ट राइडर। ये रिलीज हुई थी साल 2007 में और इसका अर्थ है 121347। तो घोस्ट राइडर का भी भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी ध्रुव शक्ति थोड़ी थोड़ी खत्म हो ही रही है, और आने वाले फ्यूचर में इसको दिखाते हैं या नहीं, ये ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि है मल्टीवर्स की, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो कि 2012 से लेकर 2021 तक करंट पीरियड में रही और इसका जो अर्थ है वो है 120703। इसमें सभी जानते हैं कि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को पोर्टल के जरिए बुला लिया गया था सीक्रेट टाइमलाइन में, और फाइनली बाद में सब कुछ सही हो चुका था। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगली मल्टीवर्स मूवी के बारे में, जो कि फैंटास्टिक फोर, जो कि रिलीज हुई थी 2005 में और इसका करंट टाइम जो चल रहा है 2024 तक का, इसका अर्थ है 121698। इसमें से जॉनी स्ट्रोम को टीवी वाले ले गए थे वॉइड में, जैसा कि आप सबको पता है डेडपूल 3 में बताया गया था, पर इसमें जॉनी की मौत हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इनका भी यूनिवर्स अब बचा होगा। और जॉनी ने टाइम ट्रेवल कैसे करा इसका भी हमें खुलासा नहीं करा। चलिए अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि पनिशर वॉर जोन। इसका अर्थ मुझे कंफर्म नहीं है और इसका भी मुझे लगता है कि शायद इसकी भी ध्रुव शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए इस मूवी के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है एमसीयू के अंदर, सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर। चलिए अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि फैंटास्टिक फोर, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इसका अर्थ है 15866। इसकी भी मुझे लगता है कि ध्रुव शक्ति खत्म हो चुकी है और इसको भी शायद आने वाले फ्यूचर में कनेक्ट करा ना जाए। चलिए अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि आता है अर्थ 838 से, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में बताया गया था। तो ये भी एक यूनिवर्स से अलग, इसमें भी अलग लोग रहते हैं, अलग सुपर हीरो हैं, और यहाँ पर एक इल्यूमिनाटी टीम से हमें इंट्रोडक्शन करा गया था, जो कि मल्टीवर्स पर ध्यान रखती है, जैसा कि आप सबने मूवी को में देखा ही होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में, जो कि है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जो कि 2018 से करंट पीरियड में चली रहा है और इनका अर्थ है 688B। चलिए बात करते हैं अगली यूनिवर्स के बारे में, जो कि एनिमेटेड स्पाइडरवर्स, जो कि अर्थ है 1610 का। इसमें माइल्स मोरालिस का अर्थ है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीवर्स दिखाया गया है, मतलब हर कैरेक्टर अलग अलग यूनिवर्स से आया है, तो उसके ऊपर तो एक अलग से ही वीडियो बन सकती है। और फाइनली इन सब टाइमलाइन को संभाले हुए लोकी, और लोकी ऑर्डर देता है टीवीए को, और टीवीए फिर उसके बाद टाइमलाइन जो ख़त्म हो रही होती है, जिनकी ध्रुव शक्ति ख़त्म हो रही होती है, उनको धीरे धीरे मरने देता है, और उस टाइमलाइन को ख़त्म होने में समय लगता है 1000 साल, 1000 से 2000 साल, कितने भी साल लग जाएं। तो ये लोकी का ऑर्डर है, वरना पहले क्या होता था कि जो टाइमलाइन ख़त्म हो रही होती थी उसको जल्दी से नष्ट कर दिया जाता था। पर लोकी को डर है एक चीज़ का आने वाले भविष्य में, यानी कि टीवी को भी उसी चीज़ से खतरा है और लोकी को भी इस चीज़ से खतरा है, वो है ये। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंग द कॉन्करर की, जो कि मर चुका है एंटमैन मूवी में, पर कौंसिल कैंग को पता चल चुका है कि शायद एवेंजर्स को या फिर लोकी को पता चल चुका है कि टाइमलाइन में कुछ ऐसा है, और ये लोग अपनी अलग ही दुनिया में बैठे हैं पूरी टीम बनाकर,
और ये मल्टीवर्स के लिए आगे खतरा बनेंगी। तो एंटायर पूरे मल्टीवर्स कुछ इस तरीके से दिखता है, और लोकी के आगे भी बहुत कुछ है, तो मैं अगले सेकंड पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। और उसके बाद अगली मेरी जो वीडियो आएगी वो होगी एक्स मैन की टाइमलाइन को लेकर, जो कि मैं वुल्वरिन की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस ये था पूरा मल्टीवर्स। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोई शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूँ, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, जा रहा हूँ।